नहीं है तेरे मेरा मजाक है मामी मैं रो पाऊंगा इससे मैं जब भी जो बात चाहूँ मनवा सकती हूँ चाहे क्या कुछ भी हो रिगार्डिंग एनीथिंग जावेद निहारी पे हम लोग आ चुके हैं अरे स्टाफ कराची का जी जी मजे की स्पाइसी चीज लेवल की कैसे खिलानी है ये व्लॉग में कह रहे थे दूध को कहाँ खाना है जनाब दांत ना नहीं ले रहे बात क्या हुआ हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे और मजे में होंगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल जैसा कि कल आपने देखा था कि जुशांत भाई आज हमें निहारी पार्टी की दावत देके गए क्योंकि जब हम उससे पहले हम लोग मिले थे तो मैं इनको लेके गया था वारिस निहारी जाना हमने जावेद पे था पर तब जावेद ऑपरेशनल नहीं था बन रहा था अब वो खुल गया तो जुशांत भाई कल आए थे और वो बड़ा इंसिस्ट करके गए कि भाई कल का खाना यानी कि आज का खाना उनके साथ खाना जो कि निहारी पार्टी है हमारी जिसमें होंगे जैन सफरेश के हमारे जो थे जैन मेरा कजन भी है जैन मंसूर भाई नजफ और जैन के एक और कजन होगा तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग और क्योंकि अभी तो हुई है अभी तो है दोपहर के 3 बजे हैं भूख लगी है खाना हमने रात को जिम के मेरे बाद टाइम जाना है मामी ने कल पाए बनाए थे बड़े मजे के जो मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मैं पालक बिरयानी खाई थी और आजकल जरा कम खा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज कर रहा हूँ दिल भी नहीं किया तो अभी मेरा लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठे ही होता है आपको पता अभी वो खा लेते हैं क्योंकि डिनर पे हमने रात को निहारी पे रात को निहारी पार्टी है तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग लेट मी हैव समथिंग आज मामी हमें किचन से बाहर ही मिल गई है तो मामी मेरे पाए किधर है सामने को पहले मामी वैसे मैंने मामी को मिल लिया हुआ लेकिन फिर भी यार मामी मामी वेयर इज माय पायाज पायाज सबके पेट में मामी ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है क्योंकि मैंने कल से प्रॉपर खाना नहीं खाया थोड़ी सी साग बिरयानी खाई थी कि कल पाए खाऊंगा रात को अब 1 बजे पाए खा के कोलेस्ट्रॉल लेवल तो खराब ही ना करना मामा अच्छा अगर घर में इतना अच्छा खाना पड़ा हो कोई छोड़ेगा मामी इधर खा के आया हुआ था मामा इधर की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा कल भी इसने मेरे बड़े पैसे लगवाए कोई बात नहीं मामी तो खाता रहता आपके हाथ के मुझे खिलाए मामी सही दसा है कि नहीं नहीं है मामी मैं रो पाऊंगा मामी मेरा दिल कह रहा है मैं नहीं कर सकते नहीं कर सकती है ना मामी जिंदाबाद मामी जिंदाबाद लगवाए जी मेरा भी लड़के खाना लगा मेरा गर्म करवाती नहीं नहीं हाँ 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 जी मेरे बाहर क्या देखें जावेद निहारी क्या आप खानी वो प्लान बन गया लेकिन जो मेरे घर में हमारा माशाल्लाह देखें मटन पाए विद ब्रेन क्या खूबसूरत लग रहा है वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह आज इतनी सादी हैवी चीजें खा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ दोपहर में पाए रात को जावेद की निहारी डबल ट्रबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि इसको पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर रात के लिए करेंगे अभी मैं अपनी प्लेट बनाता हूँ क्योंकि इस तरह की हैवी चीजें मुझे पाकिस्तानी खाने में बहुत पसंद है बिस्मिल्लाह मदस के साथ आप लोग भी आज कहेंगे कि भाई क्या आजकल हमारे मुंह में पानी के फुहारे छुड़वा रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नेक्स्ट लेवल मामी बहुत ज्यादा जैसे घी प्लस अल्हम्दुलिल्लाह इतना हैवी खाया तो मैंने कोई 2 घंटे पहले लिया था लेकिन वो इतना हैवी था उस टाइम कि मैं थोड़ा कैमरा ऑन भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि मैंने रात को भी इतना ऑलरेडी हैवी पिजाना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैवी से होंगे हमें डायलॉग मैं इसलिए हंस रही हूं आप यू शुड नाउ चेंज योर डायलॉग उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे कुछ और बोले अच्छा सही आज मेरी दावत जुशांत ने की हुई है रात को निहारी सुबह पाए खाए मैंने दोपहर में इतने हैवी अच्छा डबल ट्रबल जिम करना है मैंने जाके आज तो जिम पे जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो कॉफी पीते हैं अमी वैसे जिम तो मैंने हाई भी करना है लेकिन अब आपको ना तो नहीं कर सकता चलें कॉफी पी के मैं ऊपर जिम शेयर कर लूंगा आप फिर कर लें तो मैंने बस जल्दी निकलना अच्छा मैं जिम मिस कर रहा था लेकिन यार बहुत हैवी खा लिया सुबह पाए खाया 1.5 नानी है लेकिन निहारी भी डबल डबल चीजें तो अब वो ना इतना ज्यादा नहीं होता खैर यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी क्योंकि फिर निकलना रात को भी प्लान है उनका अच्छा यार सुबह से मुझे लग रहा है कल से ऐसे जैसे मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है जस्ट अ कोइंसिडेंस है कि वो जो हमारी रेगुलर रूटीन है वो आ रही है बट मेरा कोई फूड ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं है मेरी फैमिली और फन ब्लॉगिंग ही है
अभी क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मैं फिर चला गया हूँ खाने, लेकिन सब सीक्वेंस और टाइम के साथ हो रहा है। अभी मैं जस्ट ले रहा हूँ कॉफ़ी, एक फ्रोजन और टी मेरी वालदा मोहतरमा की है, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं यहीं से जिम चला जाऊँगा और फिर जिम के बाद डायरेक्ट आपको मिलूंगा निहारी वाला जॉब मखना चाहिए ना। बट कॉफ़ी और ट्रोवल इन्ना को मज़े का लग रहा, लेकिन नहीं भाई जगह पेट में रखी हुई है अपनी उसके रात के लिए। अम्मी जी मेरी बर्थडे आ रही है और मैं बार बार बर्थडे के इसलिए कर, देखे गाइस यूट्यूब फैमिली गोवा है ना, कोई भी मदर सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, आपका भाई पीछे नहीं हटा, मेरी कोशिश होती है कि मैं मजीद करूँ कला कला गुजारे गिफ्ट एज द सेलिब्रेशन। यूट्यूब फैमिली ने भी देखनी है पर गिफ्ट हैवी हो अम्मी मतलब आने तो दो ना बर्थडे, क्या पता चल जाएगा क्या असर क्या पड़ेगा। बताया बचपन की कैसा ये वक्त है मेरा, आपको तंग किया किसी चीज के लिए वैसे नहीं आज तक, ये नहीं कि सिर्फ कैमरा पे सही है, बल्कि मैं कल भी सोच रही थी कि ये नहीं कि अपना बच्चा है तो मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मौला का फरमान है कि जो गलत हो वो अपना भी हो तो आप कहें, और जो सच दुश्मन में भी हो वो भी आप बयान करें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बातों पे चलती हूँ अल्लाह की फजल से। मैं रात को ये सोच रही थी, मैंने कहा हमजा कितना स्वीट है कि इससे मैं जब भी जो चाहूँ मनवा सकती हूँ, चाहे क्या कुछ भी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कोई कैश भी कुछ चीज़। तो इसलिए मेरी बात सुनो, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, समझो कि हमारा ब्लॉग बनाने का मकसद ही पूरा हो जाता है जब इतनी दुआएं मिलती हैं। ऐसे ही है, ठीक है, हमारे हमारी YouTube फैमिली इतनी अच्छी है कि वो दुआएं देती है और दुआएं लेती है। लेकिन भाई ठीक है, आप लोग जितने भी हैं सर आँखों पे, लेकिन इसको जरा ना मैं मल्टीप्ले आप जरा थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए अम्मी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है व्लॉगिंग इज नॉट एन ईजी थिंग, प्लस उसकी एडिटिंग करना, 20-22 मिनट का व्लॉग बनाना बड़ा काम होता है, समझ सकते हैं जो लोग ये समझते हैं। तो सर ना लाइक्स कमेंट शेयर का लेवल बढ़ा के ताकि जल्दी जल्दी फॉलोअर बढ़ाए, ताकि मैं कुछ बहुत सारी चीजें जो मैं रिवील करना चाहता हूँ फ्यूचर में। अम्मी मुझे रोज कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बिल्कुल नहीं नहीं दूर अच्छा, है दूर है। अच्छा आप यकीन करें कि ये जब बहुत छोटा सा था तो मुझे गुस्सा जरा कभी कभी आ जाता है हमेशा ही तो अब तो नहीं पहले आता था, तो मैंने ना इसको पकड़ के ना तो बिठा दिया, बैठ जाओ यहाँ पे यार तुमने उठना नहीं। और आप यकीन करें कि खुदा की कसम मैं कसमें नहीं खाती कि हमजा वहाँ से उठाने, हालांकि बहुत छोटा सा बच्चा था। देख लें तो भाई खैर अभी इंशाल्लाह बैठ के पूरी करेंगे, अभी मुझे जिम के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जिम जाऊँगा क्योंकि रात को हमारा डिनर है और फिर गिफ्ट हैवी वाला। आप लोग भी याद रखिए 21st of October, उससे पहले आ जाएं। कल आपने देखा था कि जशान भाई ने हमें निहारी की दावत दी थी, क्योंकि उन्हें पता है निहारी मेरी बहुत पसंद है, और जवेद निहारी आई थी, हम लोग एक दफा खाने गए थे तो वहां पे अवेलेबल नहीं हो सका। तो आज हम लोग सारे निहारी का प्लान है, जशान भाई होस्ट है हमारे और हम लोग उधर निकलेंगे, और जैन आगे होगा मेरा सामान, बेटा पावर बैंक करो लिया। और पहले सबसे पहले मुझे बताया आपने ब्लॉग को लाइक किया, अगर नहीं किया तो सबसे पहले जाएं वीडियो जैसे स्टार्ट हुआ करें व्लॉग को लाइक किया करें, फिर आगे जाके व्लॉग देखा करें, क्योंकि जो लाइक व्यूज कमेंट्स हैं उससे फिर भाई को मोटिवेशन और एक हौसला मिलता है कि अगला व्लॉग मैं बनाऊं, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एडिटिंग में, बड़ी आपको पता है हिम्मत करने लगानी पड़ती है। और अभी मैं निकल रहा हूँ मंसूर भाई और सारे, नहीं बेटा दूसरा सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताए? वापसी पे दिखाता हूँ तुझे अंदर से। हाँ मैं देखी है माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, वो तो पहुंच गई है शान को लेना रास्ते में से। यूनस नु फेरन लव ली ले तो यूनस जो बारिश होती ना लगता मोल्टन लावा निकला अंदर सफेद कमीज में, समझ रहे मोल्टन लावा नहीं निकलता। अच्छा जी शान भाई ने हमें दावत दी थी, जैसे कि आपने देखा फोन करो कि उधर आए मोल्टन को फोन करो, और मैंने जैन को कहा जिशान भाई दी दावत मिस नहीं करनी। नहीं नहीं मैं सोया उठी हूं कसम से, ये दावत हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं। चले अब जिशान भाई को पिक करता हूँ, फिर मैं पकड़ता हूँ, मेरा चलान ना हो जाए यार इस तरह। A few moments later. पुराने कपड़े नहीं है, एक दूसरा पहन के तो सियाने वो चेंज कर गया है, समझदार है इसने कहा था, समझदार है क्या हुआ। जान भाई देख ले इसकी बातें, नहीं रोड बन रहा है ना इस वजह से,
वो चलेंगे दूसरे दो मेंबर्स हमारे तीन मेंबर्स यार वो चलेंगे चले ना जब से थोड़े कसीने हमने चले जी अब हम आपको जवेद निहारी के बाहर से व्लॉग शुरू करूंगा जरा पहुंच जाए क्योंकि टाइम भी 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट फाइनली क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो चले गए थे जवेद निहारी पे हम लोग आ चुके हैं निशान भाई हमें लेके आए और मंसूर भाई नजफ और जैन के एक और कजन आ रहे हैं और बड़ा सुना था जवेद निहारी के बारे में आज खा के देख भी लेते हैं कि कैसी होगी ठीक है जी सारा ओ सारा इनके स्टाफ भी कराची का लग रहा मुझे अंदर भी आ गया उन्होंने कहा आप अंदर चले जाए तो बहुत सुना था हमेशा जवेद निहारी का आज खाने आए और उम्मीद करता हूँ कि जितना सुना था उतना ही अच्छा होगा क्यों भाई आप कराची से लाहौर से कराची से सारा स्टाफ कराची का जी जी अच्छा मजे की स्पाइसी चीज लेवल की कैसे भी खिलानी है इंशाल्लाह मजा क्योंकि मैं इसके लिए प्लान करा था कराची जाने का तो उम्मीद करता हूँ कि वैसी होगी जैसी तारीफ सुनी है मैंने सही है तरी है इसकी जी तरी है ओहो नारी है बोटी है देसी का तड़का भी लगता है हमारे तड़का लगा के देना देसी मटन भी होता है किसी ने बीफ ही है मटन का मगज होता सर मटन का मगज होता ओके ओके नली और मटन लूंगा भाई मैं तो ठीक है और क्या क्या चीजें हैं और सर मतलब बिरयानी बिरयानी भी होती है बिरयानी की तरह है भी दिखाएं जरा उसको भाई हमें किचन में एक सस दे दिया कराची की स्पाइसी बिरयानी सही स्पाइसी मजा आएगा इंशाल्लाह चलो जी बेहतरीन स्पाइसी है ठीक है जी भाई भी कराची आ जाएगी आपको ठीक कराची के आप सारे भाई चले जी बिरयानी भी टेस्ट करेंगे बिरयानी भी टेस्ट करेंगे भाई की निहारी भी खाएंगे और सारा इनका बजट भी करेंगे आ जाओ सर साथ ये कुछ भी बड़े हुए कोई खीर और ये सारा ठीक है चले हाँ जी वो आ गए लोग बोलो कैसे हैं आप ठीक हैं हम सब भाई दक्षिण लगा सुखी रात और यू और ठीक ठाक है भाई मैं अरे चीफ गेस्ट लग रही है मैंने उन्हें कहा था कि मुझे थोड़ा बुला लीजिएगा जब लगाएंगे तड़के छड़के तो ये कौन सी थी सभी लगाना तड़का लगाना उसको तड़का लगा मगध वाली का तड़का भी लगाना है बड़ी स्पेशल बना ये कौन सी है ये आपकी लगन लगी मगध वाली यार बोटी की बजाय वो डाल दो ना नली डाल दो ये स्पेशल स्पेशल बनवा दूं नली भी ऐड करवा दूं थोड़ी सी बस स्पेशल होगी तड़का लगाओ तड़का लगाओ तो तड़का तो लगाओ देसी घी का हाँ ये आ गया तड़का ये देसी घी का तड़का लेवल हो गया चले मैं जा रहा हूँ बाकी उधर ले आइएगा ये मटन का मगज है ना जी जी मटन का बाकी तीन नली नली ला लेके आया मैं दंगे के तीन नली नली अच्छा जी आ गई है सब हमारी मेरी नली मगज है आपकी कौन सी है ये भी नली है आप सबकी नली है अच्छा मेरी मगज नली वाली है बाकी सबकी नली नली है हेलो 8 इंच पाओ होस्ट के साथ हो अच्छा भाई ड्रिंक्स के वही पूछ रहे सबसे अच्छा पेप्सी 7 अप ऑन टॉप निहारी को थोड़ा रौनक डाले निहारी में बिस्मिल्लाह सर आपकी बोतल बताना पेप्सी मैं बीफ ज्यादा नहीं खाता मगज बहुत आजकल लग रहा है मगज बहुत लग रहा है आजकल अच्छा जी शुरू करते हैं मूव बॉल लगी क्योंकि जिम के बाद आपको वैसे बड़ी मूव लगती है तो बिस्मिल्लाह रोटी को पॉप अप करते हैं कैसी है लेवल है बारिश अच्छी है अच्छा बिस्मिल्लाह एक और भाई जी अभी जस्टिफाई नहीं हो रहा बिस्मिल्लाह दोबारा
डिफरेंट है, मजे की, थोड़ी स्पाइसी है बट गुड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आया। जज़ाकअल्लाह जिशान भाई, अभी जिशान भाई को ड्रॉप करना है, थैंक यू करेंगे हम बाद में, लेकिन मजा आ गया, यहाँ तक फुल हो गया। नहीं नहीं फिर भी है, बल्कि कल केक लेके आए जिशान भाई, ट्रीट मुझे देनी चाहिए इनको, और दे जिशान भाई रहे इंशाल्लाह, अभी ये चलती रहेंगी हमारी। हाल नहीं, बड़े कर्म है भाई। नेक्स्ट ट्रीट उधर तेरे को लेनी है, क्यों जिशान भाई आंधी बारी है, इन्हें आज भी अगला बंदोबस्त कर ले, बोलू बात नहीं पाए, अब किस्मत किस्मत। नहीं नहीं कोई पहले कुछ खाना, फिश नहीं खानी है, कोई A few moments later. Respect mein, thank you Zishan bhai, bahut shukriya. खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते रहते हैं, लेकिन ये जो आपने जेस्टर किया सबको इकट्ठा करने का, ये ज्यादा अच्छा था, और जो आपका मोहब्बत खलूस था, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रीट इससे लेनी है, अगर ये खिला रहे अब खिला रहे थे है भाई जैन, कब इंशाल्लाह जब आप कहेंगे। ये व्लॉग में कह रहे थे खुद को कहाँ खाना है, आज अनाउंस कर दो तो खाना है कहाँ खाना है, इसी जैसी की जगह पे जाएंगे, ठीक है हमें देसी नहीं खाना, ठीक है वो जैन से खाना, हाँ लेकिन करो खा के आना पहले घर पे बुला के खिला दे इन्हें, फिर ले जाए, अब यहाँ पे मोबाइल शॉपिंग ना हो जाए, जिस तरह रोड पे मैं खड़ा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वंस अगेन। मैंने कहा मोबाइल शॉपिंग ना हो जाए, मोबाइल शॉपिंग समझ ना कि कोई नरेज ना आ जाए। घर आगे बड़ी ही मजे की हारी थी मामी जी, क्या हाल है दूसरा पहला किता कला कला ले आया है, पर रोज़ है कतनी ना, अब देख ले मामी बाकी मैं हाथ कर देना जरा ताड़े में भाई, भाई आप गरम 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 तुसी फैमिली वाला बोल नहीं ताड़ा ऊपर खा पा रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा है, मामी अम्मी घर वालों के लिए मैं साग बिरयानी पैक करवा के लाया था, मामी ना वैसे मामी भी अच्छा दूसरा आज मेरे दोस्तों के साथ प्लान था, वो हमारे सफर रिश्ते निशान भाई से, वो ये मामी का बेटा बुराक रो रहा है, देखे जरा मामी की मोहब्बत देख ले, ओके मामी बाय बाय, मामी बुराक ने बचा लिया मामी से जी। तो व्लॉग मैं अभी कर रहा हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि रात के बज गए हैं 3 और भाई उठा हुआ है सुबह से, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के अंदर। और जैसे कि आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेंशन कर रहा हूँ कि भाई की बर्थडे आ रही है 21 अक्टूबर को, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा आपको पता क्या करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत है, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज।